हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो ट्राइफल। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें 1 लीटर चाहिए मिल्क, ठीक है, और इसमें हमने लिया है 4 टेबलस्पून जो है शुगर लिया है हमने, और ये 5 टेबलस्पून हमने लिया है कस्टर्ड टेबलस्पून आपने लेना है। ये कस्टर्ड पाउडर है, वनीला फ्लेवर में है ये, और गार्निश करने के लिए हमने लिए हैं जी इसमें पिस्ते और इसमें काजू शामिल हैं, और इसमें हमने चाहिए जी 2 अदद बिस्किट। ये देखें हमने लिया है, ये काजू में लिया है, तो लेकिन आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आपने यही लेना है, कोई भी आप बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 2 बिस्किट हैं ये खोल के मैंने जो है ये देखें चॉपर में इनको चॉप कर लिया है, बारीक कर लिया, क्रश कर लिया, बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है। और ये देखें ये हमने मैंगो लिया है, अगर आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 मैंगो यूज़ किया है। ये देखें मैंगो जो है ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कटिंग करके रख लेनी है। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने चूल्हा ऑन किया है और फ्राई पैन में हम जो है 1 लीटर दूध जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका हम पहले जो है कस्टर्ड रेडी करेंगे। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो कस्टर्ड पाउडर में हमने थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। इसका आपने ख्याल करना है, अच्छी तरह से जो है आप इसको मिक्स कर लें और इसमें जो है वो कोई भी यानी कि किसी किस्म का इसका पीस बाकी ना रहे, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए अच्छी तरह से। तो दूध हमारा जो है वो बॉयल होने के करीब है, तो इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुगर ऐड कर देंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है, ज्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे जी। तो आपने जैसे ही कस्टर्ड डालना है तो आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें जो है गुठलियां ना बने। तो इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आपने पकाना है जी। तो कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छा गाढ़ा पककर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको जो है थोड़ा ठंडा करने के बाद तो इसको फ्रीजर में लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और इसकी गर्माइश खत्म हो जाए जी। तो कस्टर्ड जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें कस्टर्ड डालेंगे। फर्स्ट लेयर जो है वो हम कस्टर्ड की लगाएंगे। जी तो उसके ऊपर जो हमने बिस्किटों के जो थे क्रम्स लिए थे वो स्प्रेड करेंगे इस पे। जी ये देखिए बिस्किट इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो ये देखिए जी अब हमने इस पे ये लेयर ली है, ठीक है। अब हम इस पे मैंगो चंक्स जो हैं वो स्प्रेड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंगो के चंक्स जो हैं ये हम इस पे स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने स्प्रेड करना है। इक्वली ये जो है तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड जो है
मज़ीद लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसी तरह से जी। इसको जो है हम इक्वल कर लेंगे ताकि कवर हो जाए सारे। तो अब हम इसकी गार्निश करेंगे। तो वो जो काजू बिस्किट जो थे उसका जो क्रम्स थे वो हम लेके इस पर इसकी गार्निश करते हैं जी। इसके कॉर्नर में लगाएंगे जी। तो ये देखें इसके थोड़ा सा सेंटर में डाल देंगे। सिंपल सी गार्निशिंग है। और फिर जो है हम काजू लेंगे उसको जो है हल्का हल्का सा स्प्रेड करेंगे। काजू और जो हमने बादाम और पिस्ता लिया है बारीक बारीक कटिंग करके तो उसको हम स्प्रेड कर देंगे लाइट सा जी। ये देखें जी। और लास्ट में हम मैंगो चंक्स जो हैं वो हम जी। तो अब हम इसको जो है फ्रीजर में रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए जब ये अच्छी तरह से ठंडा यख हो जाएगा तैयार हो जाएगा तो फिर आप इसको मेहमानों को सर्व करें। तो व्यूवर्स आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। फी अमानुल्लाह।